हेलो एवरीवन, तो भाई स्वागत है आज के नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग रियली बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। तो भाई आज मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, स्कॉर्पियो, थार या फिर फॉर्चूनर। अगर आप थार ले रहे हो तो क्यों लेनी चाहिए, अगर आप स्कॉर्पियो ले रहे हो तो क्यों लेनी चाहिए, और अगर आप फॉर्चूनर ले रहे हो तो क्यों लेनी चाहिए, और अगर आपको तीनों में से कोई भी एक गाड़ी लेनी है तो वो कौन सी लेनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि स्कॉर्पियो के अंदर क्या बेस्ट चीज़ें हैं, थार के अंदर क्या बेस्ट चीज़ें हैं और फॉर्च्यूनर के अंदर क्या बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। और कंपैरिजन भी करने वाला हूँ कि किस में ज़्यादा पावर है, किस में कम है और किस में नहीं है, और इन सब तीनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, और तीनों में से रेंज वाइज कौन सी अच्छी गाड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो मैं पहला ऐसा बंदा बन चुका हूँ अपने गाँव का जिसके पास तीनों गाड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, एक बोलेरो भी है, लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं है क्योंकि कंपैरिजन अभी हम सिर्फ तीन गाड़ियों का कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत करो, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहनत से ही आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। दूसरी बात, बड़े सपने देखो, जितने बड़े सपने देखोगे उतना बड़ा स्ट्रगल होगा, उतनी बड़ी मेहनत होगी, उतना पेशेंस होगा, लेकिन सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। तो मेहनत करते रहो, हार मत मानो, ठीक है। तो लगे रहो अपने गोल के ऊपर और चलते हैं और अब इसका रिव्यू कर देते हैं फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो के बारे में बता देता हूँ, इसका लुक्स तो मैं क्या पूरी दुनिया देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं। और थार का लुक, लगभग दोनों का ही लुक बेटर है, अभी अपन उसको साइड में रखेंगे, ठीक है। फॉर्च्यूनर को पहले कंपैरिजन में दे देता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए या ये, इसमें क्या चीज़ खास है और इसमें क्या चीज़ खास है। सबसे पहली बात है उसका, सबसे पहले अपन माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोर सीटर गाड़ी है और ये सेवन सीटर है, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई। और प्राइस की अगर बात करेंगे तो दोनों लगभग लगभग सिमिलर है। अगर आप कहीं जाओगे लेने तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये लें या वो लें, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्राइस दोनों की लगभग सिमिलर है, आपको ज़्यादा इसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब सुविधा की बात करते हैं, ये 4x2 है, ये 4x4 है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन पावर देखेंगे तो पावर आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आप इसका मुकाबला पावर इससे करवाते हो, ठीक है। तो पावरफुल ये रहेगी क्योंकि ये 4x4 है और ये 4x2 है। बैठने का जो स्पेस है वो आपको इसमें ज़्यादा मिल जाएगा और इसमें आपको कम मिलेगा। अगर आप थार लेते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ और दोनों का इंटीरियर दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। ओके, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ओके, तो भाई लगभग वॉश नहीं हो रखी है क्योंकि इतना टाइम हमें मिलता नहीं कि इनको वॉश करवा लें। काफ़ी टाइम से फार्म हाउस की तरह भी पड़ी थी, तो अंदर से मैं दिखा देता हूँ। तो एक बार पूरा कैमरा अंदर से दिखा दें। ओके, तो इसमें आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा बैठने के लिए और थोड़ा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, और सिर्फ मतलब जितने भी पैसेंजर है वो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ड्राइवर आराम से बैठ सकता है, बाकी सब परेशान रहेंगे, ठीक है। अगर और हाँ, अगर आप सिर्फ दो बंदे हो अपने फैमिली के अंदर या ग्रुप के अंदर और दो के लिए ले रहे हो तो आपके लिए थार बेस्ट रहेगी क्योंकि पावरफुल भी है, लुकिंग में अट्रैक्टिव भी है, सब कुछ है, तो इस पर आप जा सकते हो। तो अब एक बार इसका इंटीरियर दिखाते हैं, ठीक है, उधर से आप। ओके गाइस, तो भाई इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। ये आपको ऑटोमेटिक का मिलेगा, मैनुअल मतलब जो भी, मेरे को अभी इतना फीचर्स मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं इसको बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं चलाता हूँ फॉर्च्यूनर, ठीक है। मेरे को वो सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी लगती है और पावरफुल भी लगती है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें पन्नियाँ भी नहीं उतारी है क्योंकि अभी तक ये बहुत कम, और इसकी पावर लगभग आप मान के चलो फॉर्च्यूनर को भी टक्कर देती है। अगर फॉर्च्यूनर में 100% पावर है तो इसके अंदर 80% पावर है कंपेरिजन फॉर्च्यूनर से, ठीक है। तो ये सबसे बहुत खास बात लगी, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है, जहाँ अच्छी बातें होती है वहाँ बुरी बातें भी होती है। तो अगर आपको कहीं सुविधा मिल रही है तो उसका सुविधा का नेगेटिव पॉइंट होता ही होता है, तो उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर सिर्फ कंफर्टेबल दो बंदे बैठ सकते हैं। अगर तीसरे को बैठना है तो बार बार इस वाले बंदे को उतरना पड़ेगा फिर वापस, अगर इसको टॉयलेट आया है या पानी पीना है तो बार बार इसको उतरना ही पड़ेगा जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये सबसे माइनस पॉइंट लगा जब से एक दो बार मैंने अगर थार को यूज़ किया है तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, मेरे को बार बार उतरना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है। तो जब भी हम दो बंदे होते हैं मोस्टली तभी मज़ा आता है इसको राइड करने का, और अगर आप दोस्तों में घूमते हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको स्कॉर्पियो लेनी पड़ेगी। भाई अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके बता देता हूँ मैंने अब तक इसको कितने किलोमीटर चलाई, ठीक है। ये रहा, ओके, कितने किलोमीटर हो गई है, ज़्यादा नहीं चली होगी मेरे हिसाब से,
सिर्फ और सिर्फ 1000 किलोमीटर हो गए इधर दिखा। गाड़ी को लाए हुए 2 महीने होने में आ रहा है, लेकिन अभी तक सबसे मतलब कम चली है 1000 किलोमीटर 2 महीने के अंदर। तो मतलब इसका यूज़ मेरे लिए बहुत कम होता है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ हैं, तो मैं मोस्टली फॉर्च्यूनर के अंदर ट्रेवल करता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा सेफ गाड़ी लगती है और पावर के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, हर चीज़ से वो ज़्यादा पावरफुल लगती है, तो मैं मोस्टली उसमें ही ट्रैवल करता हूँ, वही ड्राइव करता हूँ। इसके कंफर्ट के बारे में, तो भाई कंफर्टेबल सिर्फ 2 बंदे हैं, एक ड्राइवर और एक बैठने वाला, ठीक है। बाकी पीछे बैठने वाला इतने कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, और अगर बैठते हैं तो फिर आगे वाले कंफर्टेबल नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्योंकि अगर पीछे वाले को कुछ भी पानी पीना है या टॉयलेट करना है, कुछ भी करना है, बार बार अगर उतरना है, तो हम इस वाले बंदे को बार बार परेशान होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे बार बार परेशान होना पड़ता है, तो मेरे लिए ये चीज़ माइनस पॉइंट है। और हाँ, अगर आप फैमिली में सिर्फ 2 बंदे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, या फिर आप सिर्फ कपल हो और आपके अलावा फैमिली में कोई मेम्बर्स नहीं है, ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर आपके अलावा सिर्फ आप 2 बंदे हो, कपल हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है थार। अगर आपके पास फैमिली है तो फिर आपके लिए स्कॉर्पियो बेस्ट रहेगी, अगर इन दोनों के बजट में अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। तो बाहर चलते हैं और एक बार अंदर से दिखा देते हैं क्या इसके अंदर क्या स्पेस है। देखो, और अभी भाई पूरा नया है, मैंने पॉलीथीन भी नहीं हटाई क्योंकि इतना यूज़ में आता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ हटा दूंगा तो फिर क्या मतलब है, तो इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, इसको बंद कर देते हैं, चलो। ओके गाइज, तो भाई मैंने आपको स्कॉर्पियो भी दिखा दी और थार भी दिखा दी, लेकिन अब अपन बात करते हैं थार वर्सेस फॉर्च्यूनर के बारे में, ठीक है। तो थार वर्सेस फॉर्च्यूनर, देखो पहली बात, इसके अंदर जो बजट का डिफरेंस है वो काफ़ी आ जाता है। एक थार अगर आप खरीदने जाओगे और एक फॉर्च्यूनर आप खरीदने जाओगे तो फॉर्च्यूनर के बदले में आपको 3 थारें खरीद सकते हो, ठीक है। इतना अंतर है, ये 60 लाख है और ये 20-21 लाख है, तो इतना डिफरेंस आता है। तो अगर इतना डिफरेंस रेट वाइज आ रहा है तो जो भी है, क्वालिटी वाइज भी आएगा, फीचर्स वाइज भी आएगा, स्ट्रेंथ वाइज, पावर वाइज, हर एक चीज़ से मतलब डिफरेंस आना ही है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आना है। तो सबसे पहली बात, और ये चीज़ मैंने देखी है, इसके बजट में थार के अंदर पावर बहुत अच्छी है। पावर इसके अंदर ये है कि मान के चलो अगर फॉर्च्यूनर के अंदर 100% पावर है तो 100% से इसके अंदर 80% पावर है, इतनी मान के चलो, इतनी पावर है। हालांकि इसका वजन ज़्यादा है इसीलिए ये इसको आराम से घसीट सकती है, लेकिन इसमें भी पावर बहुत अच्छी खासी है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें अपन को ज़्यादा कंपेयर करना चाहिए क्योंकि रेट वाइज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये वाला, अगर बंदा फॉर्च्यूनर लेने जा रहा है तो थार कभी नहीं लेगा, अगर थार लेने जा रहा है तो फॉर्च्यूनर कभी नहीं लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी है, और अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है, और आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, कंफर्टेबल कौन सी है, फीचर्स वाइज कौन सी अच्छी है, तो कमेंट जरूर करें। तो भाई स्कॉर्पियो के आप नंबर देख सकते हो 8777, फॉर्च्यूनर के आप नंबर देख सकते हो 8777, ठीक है। आपको क्या लगता है, गैस करो कि भाई थार का क्या नंबर आया, ये देखो, ठीक है। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका क्या नंबर लिया मैंने, ये भी मेरा स्पेशल नंबर है, तो आप सबके सामने दिखाता हूँ, और आपका क्या फेवरेट नंबर है वो भी मुझे कमेंट करना। तो फाइनली टाइम लगा, एफर्ट्स लगे, लेकिन मैंने तीनों गाड़ियों के नंबर सेम चूज किए हैं, ये देखो 8777 RJ06। बस मेरे को सिर्फ इतना सा चेंज मिला CH, क्योंकि इतना तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझे ये डिफरेंस नहीं कवर कर पाया, तो फाइनली इतना डिफरेंस तो आएगा ही आएगा CH का। मैंने बहुत कोशिश कर ली इसको निकालने की, लेकिन वो नंबर नहीं आया, UC या UB, ठीक है, क्योंकि फिर तो बिल्कुल सेम हो जाता। तो अभी अपन इसको लगा देते हैं, ओके डन। ओके गाइस, अब शाम पड़ चुकी है, अंधेरा होने वाला है, और काम भी मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, यहाँ पे दोनों काम देखने आया था, मैंने सोचा रिव्यू वीडियो बना ही लेते हैं, एक बार दिखाओ कितना कितना काम चल रहा है। उधर से देखो, उस तरफ, इधर से, ये सारी मैं नई मिट्टी डलवा रहा हूँ, उपजाऊ मिट्टी, ताकि मैं इस बारिश के मौसम में कम से कम भी 2000-3000 पौधे लगा सकूँ और पूरा ग्रीन कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं मिट्टी खरीद के डलवा रहे हैं यहाँ पे, पर अब बहुत कॉस्टली आ रही है मिट्टी, और उधर से सारा हर एक चीज़, वो देखो वहाँ तक, और इधर से यहाँ तक। उधर क्या काम चल रहा है मैं बताता हूँ, उधर हम एक बड़ा खड्डा खोद रहे हैं जिसके अंदर पानी के, जो बारिश का पानी होगा उसको हम स्टोर करेंगे और फिर गर्मियों के दिनों में पौधों के अंदर डालेंगे, ताकि उससे बारिश के पानी से पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। ओके, लव यू ऑल, और बाय, मेहनत करो, आगे बढ़ो।